गुड मॉर्निंग क्लास फाइव। बेटा स्टोरी है पनोरमा की, स्टोरी लेसन टू है। ठीक है, ये स्टोरी आप हो सकता है कभी पढ़े भी हूं। देखिए आप फिगर देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये पिक्चर बनी हुई है। कौन कौन दिखाई दे रहा है आपको? ये फ्रेंड्स हैं आपस में, ये टू स्वैंस यहाँ पर हैं, ठीक, और वन टर्टल है। ये टर्टल और ये टू स्वैंस ये आपस में फ्रेंड हैं। तो देखो फ्रेंड जो भी होता है, आप उससे बातचीत करते हो ना, बातचीत करना चाहते हो, मिलना चाहते हो, स्कूल आते हो तो भी आपको वेट आप करते हो कि आपका दोस्त आ जाए, आप उसके साथ क्लास में बैठना भी चाहते हो कि बातचीत हो सके आप लोगों में, ठीक है ना। स्कूल के बाद भी चाहते हो कि एक साथ घर जाएं, तो यही बात इन सबों के साथ भी थी। ये सब भी डेली एक लेक, लेक समझते हो ना, झील, एक लेक के किनारे आकर के तीनों मिलते थे, बातचीत करते थे। और मतलब घर जाने के पहले दिन भर की सारी बातें आपस में शेयर करते थे, एक दूसरे को सुनाना कहना ये सब होता था, बातचीत होती थी। खैर दिन बीत रहे थे, बहुत ही अच्छे ढंग से इनकी दोस्ती चल रही थी, एकदम बहुत ही अच्छे दोस्त थे तीनों। बेटा कुछ ऐसा हुआ कि बारिश उस साल नहीं हुई, एक साल बारिश नहीं हुई। जब बारिश नहीं हुई तो जो ये लेक था उसका पानी सूखने लगा। तो भाई स्वैन और टर्टल सब दोस्त थे ना आपस में, स्वैंस को चिंता हो गई, वो सब कहे टर्टल से कि देखो भाई तुम कैसे जिंदा रहोगे, कैसे सरवाइव करोगे इस लेक में, क्योंकि पानी तो जल्दी ही सूख जाएगा। तो अब टर्टल को भी चिंता हुई, उसने कहा कि अच्छा बात तो सही है, पानी सूख जाएगा तो यहाँ मैं रह नहीं पाऊंगा, तो तुम लोग तो बर्ड हो, उड़ सकते हो, तो तुम लोग जाके ना कहीं और देखो कि कोई दूसरा लेक हो जिसमें पानी भरा हो, तो उसमें मुझे ले चलो। और ले चलने के लिए एक मजबूत सी स्टिक कहीं व्यवस्था करो, बीच में मैं मुंह से पकड़ लूंगा स्टिक को और तुम लोग दोनों तरफ से पकड़ के मुंह से और फिर उड़ के चल चलना, ठीक है। ये इन लोगों में तय हो गया। अब देखिए आप पेज 10 पर फिगर देख सकते हैं क्या व्यवस्था की गई थी, ठीक है, उड़ने की। तो बल्कि इन लोगों ने पंजों से पकड़ा हुआ है ये स्टिक को, बर्ड्स ने, ठीक है, और ये टर्टल मुंह से पकड़ा हुआ है इसको। ये चीज आपके पिक्चर से क्लियर, कौन कैसे पकड़े हुआ। तो स्वैन ने कहा टर्टल से, पहले ही कहा कि देखो भाई वो तो ठीक है हम लोग स्टिक पकड़े रहेंगे, लेकिन तुम अलर्ट रहना, तुम किसी भी तरीके से कुछ भी हो जाए तुम मुंह मत खोलना, क्योंकि तुम मुंह खोलोगे तो तुम नीचे गिर जाओगे और हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। सही बात थी भाई, मुंह से ही पकड़े हुए हो स्टिक, मुंह खोलोगे गिर जाओगे। खैर उस समय तो टर्टल ने बोला कि ठीक है, और लोग अपना शुरू किए यात्रा, भाई उड़ने लगे लोग। अब नीचे कोई शहर पड़ा, अब वहां जो लोग रहते थे अब देख रहे हैं सब, मतलब नेचुरल है, देखेंगे और देखेंगे तो कुछ अजीब भी लगेगा। बड़ा बढ़िया लग रहा था उन सबों को, आश्चर्य हो रहा था कि किस तरह से दो बर्ड्स जो हैं वो स्टिक को दोनों तरफ से पकड़े हुए उड़ रहे हैं और बीच में टर्टल मुंह से पकड़े हुए है, तो वो सब खूब चिल्ला रहे हैं आश्चर्य के साथ, अरे देखो देखो बर्ड्स जो है कैसे टर्टल को लेके जा रहे हैं दोनों बर्ड्स। अब वो तो बच्चे मान लो ज्यादा शोर मचा रहे होंगे, बड़े भी मचा रहे हैं इस तरह से। अब टर्टल को बड़ी जिज्ञासा हो गई, अब ये पूछना चाहे बर्ड से कि कैसा शोर हो रहा है, और ये अपने को कंट्रोल नहीं कर पाए, इन्होंने यही पूछने के लिए मुंह खोल दिया। अब जब मुंह खोला तो क्या हुआ, तुम फिगर में देख रहे हो,
मुंह से ही स्टिक को पकड़े थे, मुंह खोले स्टिक छूट गई, ये नीचे गिर गए। और जब नीचे गिर गए तो क्या हुआ होगा, कुछ अंदाजा है आपको बेटा? नहीं है अंदाजा। ये नीचे गिरा, जिसने भी पाया इनको पकड़ा और अपने घर ले गया इनको पका करके खाने के लिए। ठीक है बेटा, तो कहने का मतलब क्या, अपना भाई जो भी सावधानी बताई थी उसने, बर्ड्स ने, इनको फॉलो करना चाहिए था ना, तो एकदम से बियर नहीं कर पाए, अपना कंट्रोल खो दिए। अरे भाई, जहाँ पे वो सब रुकते लेक पर, वहीं पूछ लिए होते कि हाँ कैसा शोर हो रहा था, लोग क्या कह रहे थे। लेकिन नहीं, इनको बड़ी जल्दीबाजी मच गई कि तुरंत इनको जानकारी चाहिए कि भाई क्या हुआ। तो यही गड़बड़ है बेटा, यदि कोई प्रिकॉशन कोई आपको देता है तो उसको आप फॉलो करिए। ठीक है, तो मॉरल क्या है? मॉरल बहुत अच्छा है, मॉरल है थिंक बिफोर यू स्पीक, कुछ भी बोलने से पहले सोचो। इसका दो मतलब हो गया, कुछ भी बोलने से पहले सोचो, तो ये भी होता है कि तुम जो कुछ बोलने जा रहे हो ऐसा ना हो कि सामने वाले पर उसका बुरा प्रभाव पड़े। लेकिन यहाँ तो दूसरा ही मीनिंग निकल गया कि बोलने से पहले टर्टल को ये सोचना चाहिए था कि पहले ही बर्ड्स ने चेतावनी दी है कि यदि तुम बोलोगे तो नीचे गिर जाओगे और हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्या नतीजा हुआ आपके सामने है। इसलिए कंडीशन चाहे कुछ भी हो, लेकिन बोलने से पहले सोचिए कि आप क्या बोल रहे हैं, तब बोलिए। ठीक है बेटा, क्वेश्चन आंसर गया है, लर्न करिएगा। फिल अप द ब्लैंक्स आपको नहीं करना है, करवाया भी नहीं गया है, करना भी नहीं है, केवल आप क्वेश्चन आंसर ही तैयार करिएगा। ओके बेटा, थैंक यू।